स्टार्ट। हाय फ्रेंड्स, गार्डनिंग ए टू जेड वी लक्स में आपका स्वागत है। दिस इज हनुमंतराव। आज हम टमाटर्स के बारे में जानेंगे। टमाटर कई प्रकार का रहता है, छोटे वैरायटी, बड़े वैरायटी, और कोई कोई वैरायटी को नाम गांव से जाना चाहता है, जैसा कि आंध्र में मदलपल्ली का नाम से जाना जाता है। कोई कोई अंगूर का कलर में रहता है, उसको अलग नाम से जानता है। इस प्रकार कई प्रकार का टमाटर है, लेकिन हम जानते सिर्फ टमाटर बस। अब मेरा पास दो तीन वैरायटीज है जो मैं दिखाना चाहता हूँ। अभी शुरुआत में देखा तो इसको बोलते हैं चेरी टमाटर। चेरी टमाटर ये बंचेस में आता है, देख रहे हैं आप, देख सकता है ये बंच में कितना 6 टमाटर है। चेरी टमाटर साइज में थोड़ा छोटा रहता है, पकने से पहले कुछ इस प्रकार आता है, देखना हरा भरा नॉर्मल टमाटर जैसा इस तरह हरा रहता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप इस प्रकार रहता है। पकने के बाद, बंच पकने के बाद गुच्छा इस प्रकार बहुत काफी सुंदर आता है। इसमें स्पेशलिटी है, बच्चों लोग खाने में बहुत पसंद करते हैं। आपने नोटिस किया होगा बड़े बड़े होटल्स में सलाद का रूप में इसमें इस्तेमाल करता है, और सांभर वगैरह में डालने से काफी टेस्टी रहता है। नॉर्मल टमाटर से महंगा, काफी महंगा रहता है और टेस्टी भी रहता है। और जैसा कि ये देखिए नॉर्मल टमाटर, ये है ना अपना पास, ये नॉर्मल टमाटर है, आम बाजार में हमको जो मिलता है ये आम टमाटर है। ये कच्चे में है, ये भी गुच्छे में आता है, अलग से अलग टाइप का भी आता है। और दूसरा जगह में भी है, हम दिखाता हूँ मैं जरा बाजू में हट के स्टार्ट। इसमें जो है ना, इसमें बोलते हाइब्रिड टमाटर बोलते है। देखिए कितना अच्छा आ गया है, आप जरा देखिए हाइब्रिड टमाटर कितना सुंदर है, ये देखने में काफी सुंदर है। इसमें खासियत क्या है, इसका स्किन थोड़ा सा मोटा रहता है, जूसी रहता है, जो आम देसी टमाटर से थोड़ा सा खट्टा पर कम रहता है। देसी टमाटर में जितना जूस आता है उससे कम आता है, इसमें फ्लस ज्यादा आता है। पर देखने में जितना सुंदर है और खाने में भी इतना सुंदर आता है। इसमें ये भी गुच्छे में आ गई, ये गुच्छे में 6 आ गए, देखा 3 और 3 6, इसमें 5 इस तरह, इसमें 4 इस तरह, ये भी गुच्छे गुच्छे में आता है देखना। बट पेड़ में देखने पकने के बाद देखने में काफी सुंदर आता है। और एक जगह पर जाके हम देखेंगे तो चेरी टमाटर्स में ऐसे एक और है, ये भी चेरी टमाटर्स है, ये भी गुच्छे है, लेकिन कम गुच्छे में, इसमें 4-4 करके है। जो पहले हम गुच्छे में देखे उसमें 6-6 है, ये गुच्छे में 4-4 देखे हैं, लेकिन ये स्मॉल साइज में रहता है। इसमें हम एक और वैरायटी हमारे पास में है, वो भी हम देखेंगे। इसमें खासियत क्या है, ये पेड़ काफी ऊंचा रहता है, काफी ऊंचा रहता है। अभी इसमें देखे गुच्छा देखे कितना हरा रहा है, इसमें 8 करके आ रहा है, कुछ 8 टमाटर इन वन। ये चेरी टमाटर है, चेरी टमाटर में एक वैरायटी है, साइज में थोड़ा सा बड़ा रहता है, थोड़ा मोटा पर आता है, ये गुच्छा देखे ना कितना आता है। ये है, ये देखिए इसमें एक एक गुच्छे में 8 करके आ रहा है। और उसमें खासियत का है, पेड़ का हाइट देखिए कितना हाइट तक चला गया, मेरा हाइट से मेरा हाथ से पहुंच से भी काफी ऊंचा चला गया। पकने से पहले ये भी नॉर्मल चेरी टमाटर जैसे ही, लेकिन पकने के बाद कुछ इस प्रकार है। सो इसमें स्पेशलिटी क्या है, सब्जी में हर एक सब्जी में यूज करते हैं हम, नॉनवेज में भी यूज करते हैं, सबको मालूम है। और खासियत क्या है, जब सलाद में जो टाइम पास के लिए बच्चों को खिलाना है तो बच्चों को खाना बहुत पसंद करते हैं। इसको देखने के बाद बच्चे अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसमें अट्रैक्ट होकर तोड़ के खा जाता है, और चिड़िया भी खा लेता है इसको, तो संभाल कर रहना चाहिए। तो ये है, मैं टमाटर के बारे में कहना चाहता हूँ। तो स्पेशली आई लाइक दिस वे, क्योंकि इसमें थोड़ा साइज में थोड़ा सा बड़ा है ये टमाटर, ये नॉर्मल टमाटर जैसे इस प्रकार रहता है। चेरी टमाटर नॉर्मल चेरी टमाटर से ये बड़ा चेरी टमाटर है, एक तरह से ठीक है। और इसमें खट्टापन थोड़ा, ये छोटा वाला में खट्टापन कम रहता है, इसमें थोड़ा खट्टापन कम रहता है, मीठापन आ जाता है ज्यादा पकने के बाद में, थोड़ा सा मीठापन आ जाता है। ये है हमारा चेरी टमाटर का वेराइटी, टमाटर और चेरी टमाटर की वेरायटी आपने देख लिया है, इसका फायदा भी मालूम है। तो कैसा है देखने के बाद में, अंत तक देखने के बाद में आप अपना राय
कमेंट्स रूप में मेरे को बता दीजिए और अच्छा अच्छा वीडियो बनाने के लिए मेरे को मौका दीजिए, एंकरेजमेंट कीजिए और अच्छा लगा तो आपको दोस्तों के शेयर कीजिए। और सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाएगा, जल्दी पहुंच जाएगा। और इसके लिए गार्डनिंग ए टू जेड वी लक्स बाई हनुमंत राव। ओके, जय हिंद।